जब भी इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तसव्वुर करते हैं। एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है। कजन मैरिज, हाँ कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल SP News 91 में। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान मीडिया के अंदर फिलहाल कजन मैरिज को लेकर बहुत ही बड़ी मतलब बहस छिड़ी हुई है कि कुछ इस तरीके से वे जो हिंदुस्तान के अंदर शादियां होती हैं कि अपने आपसी रिलेशन में शादी नहीं होती मतलब कजन वगैरह से, वो उन्होंने उसकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ की है। और जो पाकिस्तान के अंदर होता है कजन मैरिज यानी कि अपने अपनी बहन से, अपने चाचा की लड़की से, मतलब इस तरीके से परिवार में ही वो लोग शादी कर लेते हैं, इस चीज़ को उन्होंने गलत माना है। और इसके क्या साइड इफेक्ट होते हैं आपस में मैरिज करने के, ये चीज़ भी इस चीज़ पर भी जो पाक मीडिया है डिस्कस कर रही है। और जो हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपरा है, हमारी जो शादी करने की जो परंपरा है, उस चीज़ को उन्होंने सबसे उत्तम माना है और ये पाक मीडिया के अंदर एक बहस का बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो आइए दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया इस बारे में आप आगे क्या सोचती है, क्या बातें करती हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जानिएगा कि वो किस तरीके से हमारी शादी को उत्तम, जो हमारे हिंदू धर्म में शादियां होती हैं उसे उत्तम मानते हैं और जो पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिज होती है उसे वे एक घटिया, बिल्कुल घटिया रीति रिवाज मानते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करें। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियड या स्पेलिंग बी जैसे कॉम्पिटिशन होते हैं तो उसमें भारत से ताल्लुक रखने वाले बच्चे पूरी दुनिया के बच्चों को आउट परफॉर्म करते हैं। और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये बताई जाती है माहिरीन की जानिब से कि उनका आईक्यू लेवल दुनिया के बकिया बच्चों के आईक्यू लेवल से ज्यादा होता है। और याद रहे कि भारत के अंदर जो हिंदू फैमिलीज हैं जिनके बच्चे इन कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, साइंस कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो कजन मैरिजेस के सख्त खिलाफ हैं। वो कजन मैरिज को इंसेस्ट तसव्वुर करते हैं। इसी तरह चीन में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलीपींस और अमरीका की बेशतर रियासतों में भी कजन मैरिज के ऊपर पाबंदी है क्योंकि माहिरीन की राय में कजन मैरिज के जरिए जो रिसेसिव अलील्स होती हैं वो डोमिनेंट हो जाती हैं, जिससे बहुत सारे जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं जिनमें हेमोफीलिया है, थैलेसीमिया है और उसके अलावा ये बच्चे बड़े होकर ज्यादा प्रोन होते हैं हाइपरटेंशन के, पेप्टिक अल्सर के, क्रॉनिक हार्ट डिजीज के, ऑस्टियोपोरोसिस के। उसके बावजूद मुआशरे में जो कजन मैरिज का रिवाज है वो इस पंजाबी मुहावरे की वजह से शायद ज्यादा है कि अपना मारे ते भी छावे सुटता है। लेकिन मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर कजन मैरिजेस में भी तलाक की रेशो उतनी ही है जितनी के नॉन कजन मैरिजेस में। उसके बावजूद क्या वजह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कजन मैरिज को प्रेफर करते हैं तमाम तर खतरात के बावजूद? मुझे ये बताइएगा कि कजन मैरिज और नॉर्मल मैरिज, क्या इसमें बच्चों के अंदर खतरात बराबर होते हैं जेनेटिक डिजीजेस के हवाले से या ज्यादा होते हैं? जी, ये जो कज़न मैरिजेज होती हैं उसमें सबसे पहले तो उसमें 2-3% जो हैं वो जो बीमारी के जो और डिफेक्ट जो बच्चे डिफेक्टिव जो जिसमें मेंटल सेक्टुरल डिफेक्ट्स हैं और मुख्तलिफ डिफेक्ट्स आते हैं वो उसमें मुब्तला हो सकते हैं। हमल का ज़ाया हो सकता है, जो ख़वातीन होती हैं उनमें हमल ज़ाया होने के चांस बढ़ जाते हैं और इसके अलावा जो पहले साल में जो बच्चों की अमवात का रिस्क इन चीज़ों से बढ़ जाता है जो कज़न मैरिजेज होती हैं। और ये कज़न मैरिजेज ऐसे हैं कि जो नस्ल दर नस्ल जो चीज़ें चल रही होती हैं और उसमें वो मैरिजेस वो बाहर ख़ानदान से बाहर शादी करने पे तैयार नहीं होते, तो इसमें जो जीन्स होते हैं और जो फैमिलियल डिजीज़ होती हैं उनके इम्कानात बढ़ जाते हैं। कि हमारे जो सबसे ज़्यादा जो शादियां कज़न मैरिजेस होती हैं वो जो ममालिक हैं उसमें पाकिस्तान, उसमें मुस्लिम कम्युनिटी, नॉट हिंदू कम्युनिटी। जी बिल्कुल। और जो मशरक़ वस्ता के जो ममालिक हैं जितने, उनमें ख़ासतौर पर यह सऊदीया और ये सारे यूएई जो इन कंट्रीज़ में कज़न मैरिजेस बहुत ज़्यादा हैं और इन्हीं में जो आगे पेचीदगियाँ हैं वो बहुत बढ़ गई। ठीक
है डॉक्टर, कजन मैरिज के हवाले से गुफ्तगु कर रहे थे, वो मेडिकल एस्पेक्ट के हवाले से गुफ्तगु कर रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा कजन मैरिज के सोशल एस्पेक्ट के भी ऊपर बात करें कि एक लड़की जिसको राशिद भाई कहते हुए बड़े होती है तो अक्सर शादी के बाद भी उसकी आदत नहीं जाती तो वो उसके मुंह से राशिद भाई निकल जाता है, क्या कजन मैरिजेस इतनी ही जरूरी है मुआशरे में? नहीं अवैस, थैंक यू वेरी मच, अच्छा एक टॉपिक आज आपने चुना है। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो हमारे अलामा साहब थे उन्होंने खुल के बात नहीं की, उन्हें चाहिए था इसको ओपनली डिस्कस करते, ये फोरम इसी टॉपिक के लिए ये फोरम चुना गया। अलामा साहब आपकी बात सुन रहे हैं, उसके बाद रिस्पांस भी देंगे। खुल के बताएं इसके बारे में कि कहाँ पे ममानियत है, कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि जैसे डॉक्टर साहब तो मेडिकली इसकी सारी जो है वो इम्प्लीकेशंस बता रहे थे, लेकिन जहाँ पे हमारी जो सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज और कल्चर आ जाता है, तो आप देखिए पाकिस्तान में एटलीस्ट जो है ना ये 25% जो है हमारे फर्स्ट या सेकंड कजन्स मैरिज होती है। इसके ऊपर जो मेन इफेक्ट सारे होते हैं वो होते हैं इकोनॉमिकल, कल्चरल और दूसरा रिलीजियस जो कास्ट सिस्टम है कि हमने अपनी कास्ट के अंदर शादी करनी है, दूसरा हमने जमीन बाहर नहीं देनी। अच्छा उवैस, आपकी शादी हो गई है? हो गई। अच्छा तो इतना ऑन एयर बोल रहे हैं तो इतना कान में बोल रहे हैं, समझा किसी को पता नहीं चलेगा, मैं आराम से बोल रहा था। नहीं, सबको पता चल जाएगा, सबको पता लग गया। अच्छा जिनसे हुई है शादी जी वो आपकी क्या लगती थी? वो फैमिली फ्रेंड्स। अच्छा कजन्स नहीं थे? नहीं कजन नहीं थे। उसकी वजह क्या थी, रिश्ता कैसे हुआ था? बस वो बहन की दोस्त थी। अच्छा। वालिद के भी कुछ ताल्लुकात थे उनके घर से, तो फिर वो हमारी बहन ने कहा भाई ये लड़की अच्छी है, आप प्लीज यहाँ पर सर कुछ गौर फरमाएं, और मैंने गौर फरमाया। मतलब फुल ऑन अरेंज मैरिज हुई? मुकम्मल अरेंज। मतलब लव का उस वक्त कोई चांस ही नहीं था? कोई उस वक्त हमारे जमाने में रिवाज कहाँ था लव का? अच्छा रिवाज भी नहीं था, चांस भी नहीं था। अच्छा चले, खैर ये अलग बहस निकल जाएगी। हमने बात नाजरीन इस पर नहीं करनी, हमने बात किस पर करनी है, हमने बात करनी है मैरिज पर, लेकिन कौन सी मैरिज, लव और अरेंज नहीं, कजन मैरिज। हाँ कजन मैरिज, जिसके बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि कजन्स के दरमियान जब मैरिजेस होती हैं तो कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि जो कि नस्ल दर नस्ल आगे चलती जाती हैं। अब ये बात कितनी सही है या गलत है ये हमें नहीं पता, लेकिन ये एक इशू है जो कि लोग डरते हैं जिसकी वजह से, और बहुत सारे लोग इसके बारे में नेगेटिव बात करते हैं। एक तरह से साइंटिफिकली प्रूवन भी है कुछ जगहों पर। अच्छा। कुछ केसेस भी सामने आते हैं। पहले तो नौशाबा आपसे शुरू करते हैं, जेनेटिकल डिजीजेस जो बॉडी की फिजिकल डिजीजेस हैं वो तो अलग है, उस पर डॉक्टर साहब से बात करेंगे। आप ये बताएं मेंटल साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उन कपल्स के प्रोडक्ट्स में यानी कि ऑफस्प्रिंग्स में बच्चों में जो कि कज़न मैरिजेज जिन्होंने की होती है। रिसर्च भी है कि आपकी जो कज़न मैरिजेज हैं इसमें स्पेशली जो फर्स्ट कज़न है उसमें अगर आप शादी करते हैं तो आपके काफ़ी सारे जैसे मूड डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर है, डिप्रेशन के केसेस ज़्यादा आते हैं जो कज़न मैरिजेज में डिप्रेसिव ज़्यादा होते हैं। तो ये भी है कि कज़न मैरिज तो नॉर्मल शादियों में भी होता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी होते हैं नॉर्मल शादी। नॉर्मल शादियों में भी डिप्रेशन, मतलब कज़न के अलावा जो शादियां होती हैं जिसमें लोग कज़न नहीं होते उसमें भी तो होता है कि मूड स्विंग हो रहा है या डिप्रेशन हो रहा है। आप जो बात कर रहे हैं ना वो इस तरह बात कर रहे हैं कि वो एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, मैं जो आपको ये बता रही हूँ कि इसमें जेनेटिक फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब क्या आप अपनी कज़न से शादी? दोस्तों आपने वीडियो तो पूरी देख ही ली होगी, वीडियो को देखने के बाद आप सभी लोग सब कुछ थोड़ा थोड़ा मतलब सब कुछ सबको नॉलेज होती है, तो देखने के बाद आपको कुछ ना कुछ आपके दिमाग में सवाल विचार आया होगा। जो ये बहस है क्या ये सही है, मतलब जो भी आपके दिमाग में फिलहाल चल रहा है उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही मैं आपको बता दूँ यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।